Let's talk cricket. Let's talk PSL. तो Zalmi versus Gladiator. आज का मार का Zalmi ने जीत लिया. बेहतरीन मैच था. बड़े ebbs and flow थे. कभी हमें लगता था क्वेटा जीतेगा, कभी लगता था पिशावर जीतेगा. Win predictable जो टीवी पे आता है उसमें हमेशा क्वेटा का हमेशा से एज रहा. लेकिन हम सब जो टीवी देख रहे थे उन सबको पता था कि जो टीम सेकेंड बैटिंग कर रही है वही जीतेगी. लेकिन चले, लेट्स नॉट डिस्काउंट द Zalmi's विन. Zalmi ने बेहतरीन खेल पेश किया. नंबर एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने किया, उन्होंने क्वेटा को 200 से नीचे रखा. ये बेहतरीन काम किया. नंबर दो, कि जितने मर्जी क्या कहते हैं ना, गेंद गीली हो, जितना मर्जी ग्राउंड छोटा हो, बैट्समैन को रन बनाने पड़ते हैं, बैट्समैन को एफर्ट करनी पड़ती है, हिट लगानी पड़ती है और क्या कहते हैं टाइमिंग करनी पड़ती है. तो इस लिहाज से Zalmi को खूब कूडोस के उन्होंने इतना ज़्यादा स्कोर बड़े आराम से चेस कर लिया. बेहतरीन बैटिंग Zalmi की, बहुत ज़्यादा कूडोस. चलें पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं. सबसे बड़ा पॉजिटिव उनका जो है Zalmi का, वो है उनकी नेवर डाई मेंटालिटी. ये मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन लगता है कि उनकी जो ये जो स्ट्रेंथ है इसने मेरे लिए एम्बैरसमेंट का सामान पैदा करना है, क्योंकि मैंने उनको विनिंग प्रिडिक्शंस के अंदर अपने टूर्नामेंट के काफ़ी नीचे रखा है, बल्कि लास्ट प्लेस पर रखा है. तो मेरे ख्याल से कि Zalmi जो है वो मेरे लिए एम्बैरसमेंट का सामान पैदा करेगी. तीन में से दो मैच अपने जीत चुकी है और बेहतरीन खेल पेश कर रही है. और आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं ना, हर मैच के साथ कोई टीम मोमेंटम पकड़ती जा रही है. तो वो मैं कह सकता हूँ वो टीम जो है ना, हर मैच के साथ जो मोमेंटम पकड़ रही है वो Zalmi की टीम है. आई होप कि ये कैरी करते रहें और उसको एंड पे जाके, यानी जिसे कहते हैं बहुत जल्दी पीक आउट ना कर जाएं, और एक्चुअल टाइम पे जब पीक आउट टाइम करने तक है ये अपने आप के अपने गेम को और आगे बढ़ा सकें, तो ये देखने वाली बात है. लेकिन इस लिहाज से देखा जाए कि हर पिछले गेम से इस गेम तक Zalmi बेहतर खेल पेश कर रही है, अच्छा खेल पेश कर रही है. तो वी गॉट टू गिव दैट टू Zalmi. दूसरी जो उनका पॉजिटिव था वो था भाई बंदा साकिब. क्या बेहतरीन बॉलिंग की. मेरे ख्याल से जो लास्ट ओवर उसने कराया बहुत क्रूशल था मैच के सिनेरियो के अंदर. उसने क्वेटा को, उसने ग्लैडिएटर को 200 से नीचे रखा. इसे कहते हैं ना, एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है टीम की, एक मेंटल कॉन्फिडेंस आता है टीम को कि उसने 200 रन ठोक दिया है बोर्ड के ऊपर. तो वो उसने कॉन्फिडेंस क्वेटा को लेने नहीं दिया और उसने जिसे कहते हैं ना बेहतरीन लास्ट ओवर कराया. मेरे ख्याल से एक मैच का जो टर्निंग पॉइंट था मोमेंटम का वो ये था कि जो साकिब ने आखिरी ओवर किया, पहली दो गेंदे आउट, ओवर से ही चार निकाल दी और फिर बस सिंगल डबल ही हुए उस ओवर के अंदर. मेरे ख्याल 6 रन बने आखिरी ओवर के अंदर. बेहतरीन बॉलिंग की साकिब ने. मेरी नजर में वो मैन ऑफ द मैच था इस परफॉर्मेंस की वजह से. मेरी नजर में मैन ऑफ द मैच था. चले हैदर अली को मिल गया अपना ही बंदा, पर मेरे ख्याल से बेहतरीन बॉलिंग किया. और मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा सा Zalmi का डर हो रहा है कि उसकी ये PSL की परफॉर्मेंस देख के कहीं इंग्लैंड वाले उसको कालअप ना कर लेंगे, भाई इतना अच्छा प्लेयर है कहीं इधर ही आ जाए T20 खेलने के लिए इंडिया के खिलाफ. मेरे को नहीं पता कि शायद क्योंकि कोविड के क्या कहते हैं प्रोटोकॉल की वजह से इतनी जल्दी ऐसे उसको बुला सकें, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बनी हो इसी तरह खेलता रहा तो इंग्लैंड माइट आस्क फॉर सम एक्सेप्शंस टू इट. बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है साकिब. इस बंदे पे नजर है मेरी पूरे टूर्नामेंट के अंदर. और थोड़ा सा दिल को दुख भी है कि इतना अच्छा प्लेयर है साकिब, इसको पाकिस्तानी टीम के लिए होना था. लेकिन चले, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर अपना जिसे कहते हैं टैलेंट एक्सपोर्ट किया है, इस लिहाज से तो बनता है. चले दूसरी पॉजिटिव की बात देखते हैं. क्या शेर खेला है मेरा शेर जवान हैदर अली. जबरदस्त मेरी प्रिडिक्शन इस लिहाज से पूरी होती जा रही है कि हैदर अली जो है इस टूर्नामेंट के अंदर अपना नाम कमाएगा, और वो नाम कमा के दे रहा है. तीन में से दो मैचों के अंदर उसने मैच विनिंग इनिंग खेली है. आज भी मैच विनिंग इनिंग खेली है. एक बस मुझे थोड़ा सा है, जब वो पावर क्या कहते हैं पावर प्ले के अंदर आया, जबरदस्त बैटिंग की, तो थोड़ा सा बीच में बॉक डाउन हुआ. मुझे पता नहीं वो उसकी क्या वजह थी, शायद वो टाइम लेना चाह रहा था, विकेट पर टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, एंड तक गेंद को लेकर जाना चाह रहा था. लेकिन ये बात हो सकती है जब स्पिनर्स आए, स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेलता है. मेरे को नहीं लगा कि स्पिनर्स उसको इतनी प्रॉब्लम देंगे जिस तरह आज वो देख रहे थे. लेकिन सिंगल डबल करता रहा वो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि स्पिनर्स उसको प्रॉब्लम देंगे. तो कोई और वजह थी जो भी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना काम तो कर दिया था. बेहतरीन स्कोर किया मेरे ख्याल से हैदर अली ने, और मैन ऑफ द मैच उसको मिला, बहुत अच्छी बात है. तीसरी बात जो मैंने तीसरा पॉजिटिव देखें वो था रुथरफोर्ड. यार वो बंदा मैन ऑफ द मिशन लगा. अब मुझे बैक स्टोरी का नहीं पता कि वो क्या जबरदस्त है, पर उसके अंदर आग दिखी मेरे को. उसके अंदर मुझे लगा कि भाई मैंने ये स्कोर करना है और मैंने ही करना है, मैंने करके दिखाना है और मैंने ये मैच आगे निकालना है. ये उसके अंदर एक जिसे कहते हैं ना, मैंने कर दिखाने की भूख देखी. अब मुझे उसकी बैक स्टोरी, अब मुझे पता करना पड़ेगा उसकी बैक स्टोरी क्या है. लेकिन इस लिहाज से कि PSL के लिए वो जान लगा रहा है, Zalmi के लिए जान लगा रहा है, Zalmi के लिए इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती.
बहुत बहुत आला खेला रुतरफर्ड, और जब तक रुतरफर्ड विकेट के ऊपर था ना, मुझे नहीं लग रहा था कि जर्मी जो है वो हारने वाला है। मुझे लग रहा था कि आखिरी अगर दो गेंदों पे इनको 12 स्कोर भी कर देगा, अगर रुतरफर्ड खड़ा है ना तो रुतरफर्ड कर देगा। वो उसके अंदर ऐसी विल पावर दिख रही थी मेरे को कि वो मैं करूंगा, मैं कर दूंगा, ऐसी जबरदस्त खेल रहा था। तो कुडोस टू रुतरफर्ड, उसका जो एटीट्यूड था ना वो देख के बहुत बहुत मजा आया। सो लेट्स टॉक सम वीकनेसेस टू। वीकनेसेस को जानना बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी वीकनेसेस को हर वक्त बेहतर करते रहेंगे तो आप आगे जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा जो वीकनेसेस थी जर्मनी की टीम की, आज इमाम की जो बैटिंग थी, शुरू का जो पावर प्ले था उसके अंदर तो बेहतरीन चल रहा था। एकदम से जैसे पावर प्ले खत्म हुआ ना, जाहिद महमूद और नवाज आया, एकदम से ये बंदा नेगेटिव हुआ है। साथ साथ उसने अपनी नेगेटिविटी के अंदर में आज हैदर अली को भी खींच लिया है। एक दफा रन आउट होते होते भी हैदर अली को बच्चों को करवा, बिल्कुल ऑलमोस्ट हो गया था हैदर अली रन आउट। तो लेकिन क्या कहते हैं, मुझे समझ नहीं आई कि एकदम से टेम्पो इतना नीचे लेके जाने की क्या जरूरत थी। एक मैं कह रहा हूँ कि जलमी को एक मैच जो है ना इमाम हरवाएगा, होपफुली बड़ा मैच ना लेकिन इस तरह मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि एक मैच शायद इमाम हरा दे। होप कि इमाम बेहतर करे, आगे जाए, आगे निकले, और क्या कहते हैं ना, ये जो थोड़ा सा उससे जो नेगेटिव एनर्जी आती है आई होप वो कम हो। लेकिन ना कभी कभी जब वो टीम खेलता है ना पिच के ऊपर, थोड़ा सा सेल्फिश लगता है। यू नो, आज अच्छी इनिंग खेली अप टू पावर प्ले, मुझे लगा कि वो अच्छा खेल रहा है, लेकिन जब जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, पता नहीं क्यों दिल से लगा कि यार ये बंदा अपनी 50 के लिए जा रहा है रदर देन टीम के लिए। थोड़ी सी वहाब रियाज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वहाब रियाज थोड़े से फिर ऑफ कलर नजर आए, आज तीसरा मैच है, 3 स्ट्रेट मैचों में वो ऑफ कलर नजर आए। जलमी के लिए थोड़ा सा वरी पॉइंट जरूर होगा। वहाब रियाज को जलमी को ना थोड़ी सी ऑप्शन देनी चाहिए। नंबर एक, उनके पास कोई और ऑलराउंडर अंदर बीच में ऐसा हो जो वहाब रियाज की जगह एक दो ओवर करवा ले, जस्ट इन केस पहले वहाब रियाज के एक दो ओवर अच्छे नहीं गए तो वहाब रियाज के लिए करवा ले। लेकिन इमरान भी है और साकिब भी है, तो वहाब रियाज में प्रेशर थोड़ा कम है, लेकिन वहाब रियाज की बैड परफॉर्मेंस की वजह से साकिब और इमरान पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। अभी तक तो वो झेल रहे हैं, लेकिन आगे क्या वो ये सब कुछ झेल सकते हैं, क्योंकि वहाब रियाज की परफॉर्मेंस जर्मनी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलें आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।